ये इंतजार हुसैन साहब का लिखा हुआ है, उन्हीं के लिए ट्रिब्यूट हम पेश कर रहे हैं। नापा की तरफ से जा मुहिद्दीन ने इसकी हिदायत दी है। हमारी रिवायत है कि जो पहला खेल होता है फेस्टिवल में वो हमारे जो थर्ड ईयर के सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो पेश करते हैं। तो ये आज का जो खेल है वो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद जो बाकी हमारे खेल है उनका शेड्यूल बाहर है, आप लोगों को मिल जाएगा, आप प्लीज आते रहें, हमारी सपोर्ट करें। पाकिस्तान में फिलहाल ये वाहिद इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, तो हमें आप लोगों की बहुत सपोर्ट चाहिए। हबीब बैंक के गोयथे इंस्टीट्यूट के नॉन मीडिया ग्रुप, यंग मीडिया ग्रुप, जियो के, जिन्होंने हमें बहुत हेल्प की है इस फेस्टिवल को मुमकिन बनाने में। आइए देखते हैं आज की पेशकश खाबों के मुसाफिर। मिर्चे मंगवाई,
को मैं यकीन नहीं आवेगा गिनती की चार मिर्चे। मैंने कहा बेटा हंडिया में इनका क्या पता चलेगा, अरे तू इन्हें अपने गुलदान में लगा दे। बड़ी बुआ पैसे की अब कोई कीमत नहीं रही, अब तो बस चीजों की कीमत है। बड़ी बुआ तेरा लौटा गधा है और गधा रहेगा। बस मैंने कह दिया मेरे बेटे के लक्षण अच्छे नहीं, तुझे यह खुश नहीं करेगा। अच्छी और क्या लक्षण अच्छे होते हैं, माशाल्लाह एमए किया है, कमीशन में फर्स्ट नंबर आया। अजी तुम कैसी बातें करती हो, तुम फर्स्ट नंबर कहती हो, मैं कहता हूँ वो कलेक्टर भी बन जाएगा मगर फिर भी रहेगा गधा। दुनिया आखिर तरक्की करके क्या बन जाएंगे, कमिश्नर बन जाएंगे। हमने गधों को इससे ज्यादा तरक्की करते देखा। तो भैया हमें अकलमंद ना चाहिए, गधा है पर कमाई करके लाए। और हमारी नाक कटा दे, जहाँ जाता हूँ लोग पूछते हैं मियां जान सुना है तुम्हारा भांजा दहरिया हो गया है। कसम अल्लाह पाक की शर्म से गर्दन झुक जाती है। भैया लोगों का क्या है, वो तो अच्छे भले इंसान को बावला बना दे रहे हैं। लोग उसे क्या बावला बनाएंगे, अंग्रेजी ने पहले ही उसे बावला बना दिया है। बड़ी बुआ तेरे बेटे का अंग्रेजी ने सत्यानाश कर दिया है। हाँ बात ये है कि गेहूं की रोटी और अंग्रेजी हर एक को हाजिर नहीं होती। डिप्टी साहब के भतीजे बैरिस्टर साहब को देखा था क्या हाल हुआ, बाजारों में अंग्रेजी बोलते फिरते थे। अरे वाह वाह तुम बड़े अच्छे आए मेरे बेटे को पोसने वाले, अरे कभी हुआ तो तुम्हारे मुंह से निकली नहीं। इसमें बद्दुआ की क्या बात है, बैरिस्टर साहब कम पढ़े लिखे थे, तेरे बेटे से ज्यादा पढ़े हुए थे, लंदन से बैरिस्टरी कर आए थे, मगर दिमाग की कल ढीली थी, बड़ों का अदब छोटों का लिहाज सब हो गया। घर में हर एक से अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी, फिर घर में आने वाले भंगी सबके से भी अंग्रेजी में बातें होने लगी, और फिर ऐसा दिमाग चला कि घर से निकल जाया करते थे और कुंजड़ों पसाइयों में अंग्रेजी बोलते फिरते थे। बड़ी बुआ बताए दे रहा हूँ तेरे बेटे का भी यही अंजाम होगा, गलियों बाजारों में अंग्रेजी बोलता फिरेगा। ना भैया ना, बर्दाश्त की हद होती है, ये भी कोई बात हुई कि हर वक्त मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहो हो, अरे कभी भाग्य के सर पर प्यार का हाथ तो खड़ा नहीं। अरे यही सोच लेते कि देवा बहन का सहारा है, जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तो आप ही समझ आ जाएगी। बैरिस्टर साहब के बारे में भी सब यही कहते थे, शुरू में तो एक सनक सी थी, कोट पतलून पहने नमाज को खड़े हो गए, उसे दरबदर किया कि भाई विलायत से नए नए आए हैं आगे चल के ठीक हो जाएंगे। फिर जो सनक सवार हुई तो गरीब बीवी में नान नफका की नालिश कर दी, उसे भी दरबदर किया कि भाई विलायत से नए नए आए हैं बेचारों को क्या खबर के नान नफका क्या होता है, अगर दरबदर कहा तो किया जाता था। दिमाग ऐसा चल बचल हुआ, ऐसा चल बचल हुआ कि घर से निकल जाया करते थे और कुंडलों का साइन अंग्रेजी बोलते थे। बहुत हो गई, आए कहीं के मेरे बच्चे का पास्टर साहब से मुकाबला करने वाले। अरे अजीजों रिश्तेदारों में एक दूसरे की मदद भी करे हैं तो यूं ऐसा में नहीं मिल जाते, समझा क्या है तुमने मुझे, बच्चे की कसम एक एक पैसा अदा करूंगी। इनकी तो आदत है कि हर वक्त खुर्री बातें क्या करते, तुम बैठो तो सही। अल्लाह भी नहीं मैं इस घर में नहीं आऊंगी, उसे अपने बच्चे के लिए तो पोसने नहीं सुने जाते। ऐ अल्लाह की कसम, शाही प्यार की कसम, मैं तुम्हारा एक एक पैसा अदा करूंगी, और अगर ना करूं तो मेरे जन्म पे थूकना। जी बड़ी बुआ सुनो तो सही, बड़ी बुआ बड़ी बुआ, तू भी बहुत तल्खी बात है, हमें क्या जरूरत है किसी के मामले में दखल देने की, कोई कुछ ही किया करे, कोई हम जो कर सकते थे वो हमने कर दिया है, और यही फर्ज हुआ करता है अजीज दानी का, अब कोई जान बूझ कर कुएं में गिरने लगे तो कोई क्या करेगा। बड़ों का काम तो समझाना है, बाकी उनका अपना फेल है। और वैसे भी बड़ी बुआ वो बड़ी बुआ नहीं थी कि जो जी में आया कह दिया वो चुप होके चली गई। और फिर ठीक भी है, अब उनका बच्चा माशाल्लाह डिप्टी कलेक्टर हो जाएगा, पहले भतीजे पर कैसे सत्ते वाली होगी थी, अब वो मोहब्बत जाने का हुई तो डिप्टी साहब की लौंडिया की तारीफ होंगे कोई बंदे। हाँ बड़े आदमी में जाए करके देख ले, पता चल जाएगा कि वहां से क्या मिलता है। हम भी बेवकूफ है कि पढ़ाया लिखाया और अब हम ही दुश्मन हो गए, हम कोसने देने वाले हो गए।
कहती है कि एक एक पैसा अदा करेंगे। अल्लाह तेरी शान है, बड़ी अदा करेंगे, हम भी गुजरा देंगे। एक प्लान बनाइए भी बहुत मारी प्लानों के चक्के में कब तक फंसे रहोगे, इन पे खाक डालो, नौकरी की तकदीर करो। नौकरी नौकरी तो इसके बाप ने ना की, अल्लाह बख्शे उन पे तो सनक सवार थी कि नौकरी ना करो। वो कमेटी की मेमोरी के मंसूबे बनाया करते थे, तो रंडी बाजी और शराब में दौलत उड़ाता होगा उन्होंने कमेटी की मेमोरी के पीछे पैसा लगाया, शहर के हर लुच्चे लफंगे के सामने हाथा जोड़ी की और फिर रकमें बांटी जा रही है। किसी लुच्चे ने एक दफा ऐसी अफवाह उड़ाई और उन्होंने सचमुच समझ लिया कि मेमोरी मिल गई, बस फिर क्या था, देखे खनकने लगी, दावत उन्होंने दी और नाम निकला किसी और आवाज का। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। आधी जायदाद कमेटी की मेमोरी के मंसूबों पर बहा दी और मेमोरी ना मिल सके, सारे मंसूबे छाती पर थके। एक शेख चिल्ली को छोड़ गए, देखो वो क्या कुछ खिलाते हैं। मियाजान ये शेख चिल्ली की बात नहीं है, अब ये ऐसी चारों तरफ से बांध कर प्लान बनाई है कि उंगली नहीं रख सकते। मियाजान ये जो स्केच पैटर्न होते हैं इनकी हर घर में जरूरत होती है, पाकिस्तान में अब तक इसका कोई कारखाना नहीं है। मैं कहता हूँ यहाँ कोई इसका कारखाना खोल ले तो बड़े बड़े इम्पोर्टरों के रास्ते बंद कर दे, और उसमें ऐसा जमीला नहीं है, बस कोई छोटी सी जगह इलाज करा ले और फिर दो लाइन लगा ले। लो जी कारखाना तैयार है, तेज बटन बनने लगे, बस लाइनों पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कुल 3,000 का बजट। काम तो अच्छा है मगर तुम नथे हो, तुम्हारे बस में रोग नहीं। भैया कोई अक्ल की बात क्या करो, पढ़ लिख के टिच बटन बनाने में तुम्हें गैरत ना आई? कोई टिच बटन कौड़ी दर्जन दुकान दुकान बिकते हैं, इनमें ढेला पैसा बच भी रहा तो क्या नींद लगेगी, मुफ्त में नाक कटवाने की बात है। लोग कहेंगे लो भाई मियां जान ने भतीजे को बड़े ठस्से से पढ़ाया, अब टिच बटन बनाता है। चाची साहब आप कमाल करती है, ये तो इंडस्ट्री है, इसमें नाक कटने की क्या बात है। या नाक यूं पकड़ लो या यूं पकड़ लो, बात तो हुई है। हमारे यहाँ ठकीरे और तीन साल ऐसे काम किया करते हैं, शरीफों में ऐसे काम कब होते हैं। पाकिस्तान में यहाँ पर टूटी है कि मोचियों गुलाम और ठकीरों के काम अब शरीफों में होने लगे। भाई अच्छा जवाब है कि कोई इंडस्ट्री है, खाक गूबर ऐसी इंडस्ट्री में कि शरीफ कमीनों के काम जाए। पाकिस्तान में घोड़ा इसलिए बना था कि शरीफ अपनी शराब तक छोड़ दे। चाची खान आप कैसी बातें करती है, काम में कोई ऐब नहीं। बात ये है भैया, ये तुम्हारी खानदानी सिफत है कि जिसके दिमाग में जो समा जाती है वो किसी की निकाली निकलती नहीं। और माशाल्लाह तुम पढ़े लिखे हो, मैं जाहिल, मेरी बातें तुम्हारी समझ में क्यों आने लगी। मगर मैं ये कह दूं कि तुमसे ये गाड़ी चलेगी नहीं। अरे भाई वो और लोग होते, अरे कह देना तो आसान है कि छोटी सी जगह इलाज करा लेंगे, मगर इलाज कराएगा कौन, तुम या तुम्हारे मियां जान। तुम्हें मकान तो ढंग का इलाज कराया ना गया, यहाँ आए 10 बरस हो गए, अरे कम वक्त अब तक ठिकाने का कोना ना मिला। इन 10 बरसों में तो लोगों ने महल खड़े कर लिए, अभी डिप्टी साहब के घर गुलबर्ग गई तो मेरी तो आंखें फटी रह गई। हम तो दिल्ली का कला सुना करते थे, बीबी गुलबर्ग में तो हर घर दिल्ली का कला है। मुझे नमक समझी चटकीला हो गया, थोड़ा सा पानी और डाल देखो भाई। अजी वो भाई से इस वक्त बात मत करो, वो टिच बटन के कारखाने का मंसूबा बना रहे हैं। टिच बटन? हाँ टिच बटन, अभी वो टिच बटन बनाएगा। टिच बटन? इफो भाई तुम टिच बटन बनाओगे? शायद भाई इफो भाई टिच बटन बना। इफो भाई टिच बटन कैसे हो गए, क्या मतलब? बात यह है शायद भाई कि इफो भाई ने टिच बटन का कारखाना खोलने का मंसूबा बनाया है। ओह अब समझा, तो वो इफो भाई का नया 5 साल मंसूबा शायद हो गया है। भाई बात दरअसल ये है कि इफो भाई सनदी निजाम के आदमी पर तंज करना चाहते हैं। इस सनदी निजाम ने वाकई आदमी को टिच का बटन बना दिया है, तो इफो भाई को ही देख लो, जाती ज़हनियत लेने आदमी ही नहीं रह गया। अच्छा खासा टिच बटन बना दिया है, अब ये आदमियों से बात करने के लायक नहीं रहे, बस इन्हें किसी बिसात खाने में रख दिया जाए, बिल्कुल टिच बटन की तरह खुलते और बंद होते रहेंगे। तो भाई इसीलिए मैं फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ, ये हमारा पाकिस्तान माकूल से माकूल आदमी को टिच बटन बना देता है। मैंने कोई चांस नहीं रखा, तीनों खानों में फॉरेन सर्विस भर दिया है, और हाँ इंटरव्यू में भी मैंने 3 बार टिकाकर कहा फॉरेन सर्विस फॉरेन सर्विस फॉरेन सर्विस।
साहब मुझसे पूछते हैं, अच्छा ये बताएं आपको फॉरेन सर्विस में ऐसी क्या दिलचस्पी है? मैंने कहा जनाब मैं यूरोप की आर्ट गैलरियां देखना चाहता हूँ। बहुत घटे मेरे जवाब पर। एक और साहब मुझसे पूछते हैं, अच्छा ये बताएं यूरोप के आप कौन से मुल्क जाना पसंद करें? मैंने कहा जनाब फ्रांस। पूछे क्यों? मैंने कहा क्योंकि वो सार्थर का मुल्क है। फिर पूछने लगा मुझे पान लगा दो। पान तो खत्म हो गए, एक टुकड़ा पड़ा है। देखो भाई हमारे सुमन बुकमन के बोलने की भी कोई प्लान बना। देखो भाई तो कौन सुमन बुकमन है, आदमी से बात ही नहीं कर सकते बेचारे, और इनकी प्लान क्या करेंगी इसमें। हाँ देखो भाई तो मैं आपको ये बता रहा था कि बोर्ड वाले मुझसे पूछने लगे कि फ्रांस की आप भाई अब रात को क्या होगा पानों का। देखो मेरी अटकन के लिए ठंडी निकाल लो और पान लेकर आओ। जी मियां। अच्छा किश्वर मैंने फ्लॉबर्ट की बात पर उन्हें बहुत फ्लैट किया, बार बार कहें फ्लॉबर्ट फ्लॉबर्ट, मैंने आहिस्ता से कहा फ्लॉबर्ट। अच्छा मैं फ्रांसीसी शायरी का जिक्र करते करते उन्होंने एज़रा पाउंड का नाम ले लिया। एक साहब मुझसे पूछ रहे हैं ये कोई फ्रांसीसी खातून? मैं कहा नहीं जनाब फ्रांसीसी खातून का शक तो इन पर बहुत होता है, मगर ज्यादा एहतमाल ये है कि वो कोई अंग्रेजी शायर है। पर सबको साफ सुन गया एक बार, पहले मुझे पान दे दो। बंदू आ गया। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे शाहिद मियां बैठो बैठो, ये भी कोई बात हुई कि खड़े खड़े आया और चल दिए? तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ ये तो बताया नहीं। अरे नुमाई जान बस बस फ्लैट करा रहा हूँ। खुदा करे इंटरव्यू में ऐसे ही सुरखरू हो जैसे कमीशन में तुम अव्वल नंबर आए थे। मियां जान साहब। अच्छा मैं अब चलता हूँ। आदाब। जीते रहो। आदाब मियां जान। आदाब। तुम जरा पर्दे में चली जाओ। अजी अब जा भी चुको। मियां बंदू खां आ जाओ। सलाम मियां जान। चलो मास्टर साहब होंगे। मास्टर साहब हैं? हाँ तशरीफ लाइए मास्टर साहब। क्या चल सब? इस बोट ने टोबा टैक्सिंग में सबको देखा है मगर यहाँ वाले हामी नहीं भरते। लो जी अखबार की बात भी गलत हो गई। टोबा टैक्सिंग वाले कहते हैं कि एक सुर्ख रंग का सितारा तीसरे पैर के वक्त दिखाई दिया था, सबने देखा। हमारा जिस वक्त स्पोर्ट ने दिखाई देगा तो टोबा टैक्सिंग वालों को दिन में तारे नजर आने लगेंगे। लाहौर में तो अभी तक दिखाई नहीं दिया ना? नहीं। कोई खबर तो नहीं आई ना? ना। तो मियां जान साहब आप मेरी सुनो, जो झूठ बोले सो काफिर। बात ये हुई कि परसों शाम को मेरी पतंग तारा बन गई। मियां जान साहब क्या हुआ कि मुझे यूं लगा कि मुट्ठी भारी हो गई है। मैं कहूँ कि सारी इतनी ऊंची जाके झोंक खा रही है, ऊपर जो देखो तो जैसे उमड़ती हो कुछ इस कन्नों में अटकी हुई। मैंने बबुआ से कहा बबुआ ओए बबुआ उड़न तस्तरी तो नहीं? वो देखकर चिल्लाया अबे ये तो स्पुटनिक है। तो जी मैंने जल्दी से खेत मारी पर साल पांचा किस्सा आ गया। स्पुटनिक को पता झोंकों का है। मास्टर साहब जो झूठ बोले सो काफिर। चलो अभी मस्जिद में चलके मुझसे कुरान उठवा लो। नहीं मानता मेरी बुलंदी पर पहुंच ही नहीं सकती। मियां जान साहब सुन रहे हो? पतंग इतनी बुलंदी पर नहीं पहुंच सकती। आप तो मुझे पता है कि कितना कितना मैं पड़ा, पर मैंने अपनी पतंग तली हुई रखी। जब उतारी तो बिल्कुल खुशक मेरी पतंग और बबुआ के कबूतर बादलों से ऊंचे उड़े। इस स्कूटनी तो बादलों से ऊंचा नहीं जा सकता ना। मियां जान साहब अब के तो खैर स्कूटनी मेरे अड़ंगे से निकल गया, मगर मैंने भी बबुआ से कह दिया है कि अगर स्पुटनिक मार मांझा तैयार न किया तो हिंदू अपने बाप से नहीं। इस पे वो बहुत खटा। मैंने कहा कबूतर की चोंच में तो स्पुटनिक आने से रहा, अपने शिराजी के परों में कैंचियां लगवाओ। वैसे मियां जान साहब एक बात मैं मानता हूँ, बबुआ साली की आंख बहुत तेज है। साले को टेका टेकी दोपहर में तारा नजर आया था। अमां मैं तो मान लूंगा, तुम मास्टर साहब को बताओ। मास्टर साहब आप ये बात भी नहीं मानेंगे? मैं बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा चलो जी मैं लफाती हूँ, मगर क्या अपना बबुआ भी झूठा हो गया? हाँ बबुआ और तुम किस गिनती में हो? मास्टर साहब तो सितारों को ही नहीं मानते। सितारों को नहीं मानते? हाँ मियाँ हो के हवा में। कहते हैं आजकल यूरोप में यह कहा जा रहा है कि सितारे मादूम हो चुके हैं। मैंने कहा कि मास्टर साहब तुम्हारे यूरोप को तो रतौंध आती है, उसे चमकते सितारे भी दिखाई नहीं देते। कहते हैं बात यह है कि सितारे गायब हो चुके हैं, उनकी रोशनी हमारे पास देर से पहुंचती है,
पूछ लो, सामने बैठे हैं। मास्टर साहब जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि कुदरत ने लाइट सिस्टम नहीं घपला, स्विच ऑफ कर दिया, मगर फिर भी लाइट आ रही है। इस बात को भी जाने दो, मैं तो सीधा सवाल करता हूँ कि क्यों जनाब, जब सितारे ही नहीं हैं, तो ये स्पुटनिक कहाँ के लिए उड़ाया गया है? चांद पे तो आप कहते हैं जिंदगी नहीं, मरीज में है, मगर जब सितारे ही नहीं है तो ये मसखरा मरीज कहाँ से आन टपका? मियां जान, आप मेरे माफियू जमीर को गलत समझे। मैंने सब सितारों के मुताबिक आज नहीं किया था, बल्कि मैं तो खाके मैं नहीं जानता। एक बात कही, सितारे हैं या नहीं, आप अदम और वजूद के बैबक कैसे पायल हो सकते हैं? साहब, आप तो बेदलील के बात करते हैं, ये साइंस का मसला है। अगर मास्टर साहब, आफ्ताब आमद दलील आफ्ताब, सितारे सामने नजर आ रहे हैं, तुम्हारी मसला साइंस में क्या करेगी? बोलू हाँ, बात दरअसल ये, मास्टर साहब आप तो खड़े हुए, बातों में वक्त का ख्याल नहीं रहा, 10 मिनट ऊपर हो गए। मुझे तो यूं लगता है कि आपको किसी आमिल ने घड़ी में बांध दिया। सलाम सलाम। हाँ तो मियां बुंदू, मैं क्या कह रहा था, हाँ खुदा तुम्हारा भला करे, मास्टर साहब बेचारों का कुसूर नहीं है, उस जमाने की हवा ही ऐसी, हमारी जो बहन के साहबजादे हैं उन्हें मास्टर साहब से ज्यादा बदहजमी है, वो मुद्दे को नहीं मानते। मुझे कहता है मियां जान, मैं आपके मुद्दे को नहीं मानता। मैंने कहा बेईमान, तू कौन होता है न मानने वाला, तेरे बड़ों ने माना है। हमारा पान ले आए जी। मियां जान, पान आजकल बहुत महंगा जा रहे नहीं? हमारा सस्ती कौन सी चीज है, मैं तो कहता हूँ आदमी रोटी ना खाए पान खाए, समझता पान का राशन तो नहीं हुआ है। हाँ मियां जान, ये सच कहो। अच्छा मियां जान, सलाम। सलाम मियां बंधु। ईश्वर ईश्वर, बेटी हुक्का गर्म करो और पानी मुंह धोने को रखो। इफो भाई, इफो भाई के छटर, इफो भाई हमें भी दिखाइए, क्या क्या आपने स्कीम बनाई है? तो भाई बस एक नजर दिखा दी। किशोर बेटी पहले मुझे जरा मान लग, बेटी क्या हो गया है तुम्हें? आना पीना उठना बैठना सब हराम हो गया, जहां घर में दाखिल हो ग्रामोफोन पर सुई चल गई, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, क्या मुसीबत आ गई? अरे आए बड़े कहीं के मुसीबत कहने वाले, मेरी बच्ची जीती रहे तो मुझ काल खाती को क्या खबर थी, अब ये जिक्र कर जाऊं तो जो चोर का हाल सो मेरा। क्या हर वक्त तो चलती चलती रहती है, अल्लाह का नाम न रसूल का कलमा, दुनिया का कोई जिक्र ही नहीं रहा, जब देखो वही राम कहानी, सुबह दोपहर शाम। अभी तुम सुबह दोपहर शाम की कह रहे हो, मुझे तो अल्लाह कसम रातों को नींद नहीं आती, रात क्या हुआ कि जब तुम लोटा लेके बाहर गए तो आहट से मेरी आंख खुल गई, बस फिर आंख नहीं लगी, सोचती रही कि या अल्लाह क्या होगा, कैसे पाटा बंधेगा, फिर उठ के बैठ गई, पान दान खोला, पान खाया, छालिया काटती रही, सोचती रही, फिर जब घंटे में 2 बजाए हैं तो जरा चारपाई को कमर लगाई, मगर आंख कहाँ लगती थी, करवटे बदलती रही, 3 बजे 4 बजे फिर जब मुर्गे बोलने लगे तो जरा झपकी आई, फिर तुमने झंझोड़ के उठो, नमाज का वक्त हो गया। मैं कहता हूँ कि तुम्हें तो रातों को उठ उठ कर पान खाने की लत है, अगर दूसरों की नींद क्यों हराम करती हो? तुम्हें औलाद की मोहब्बत होती तो देखती कैसे ये बात कहते, जिसके दिल को लगी वो जाने, तुम तो औलाद को मुसीबत समझते हो। औलाद को मुसीबत मैंने बना रखा है तुमने? क्या खबर है किसने मुसीबत बना रखा है, मैं तो ये जानती हूँ कि जहाँ बच्ची का जिक्र आया तुम्हारे तन बदन में पतंगे लगे, मैंने कहती हूँ अल्लाह रखो, एक से तुम इतने बोल आए हुए हो, 5 साल होते तो तुम तो कपड़े फाड़ के जंगल को निकल जाते। सच कहते हो, बोलाई हुई तो मैं हूँ, रुकने से तो मेरे लगी बैठी है, रात
दिन इसी उदयपुर में रहते होंगे, ये अलग कैसे होगा? अरे वो मालिक है जी, वो तो मालिक है, मगर वो कुड़िया में बांध कर ऊपर से तो नहीं देगा। कोशिश करना बंदों का फर्ज है, बाकी वो मालिक है। मैं ये पूछता हूँ कि क्या कोई बगैर जोड़े के पैदा हुई है? जिसने बेटी दी है वो बर भी देगा जी। वो जमाने नहीं रहे जब बर आप ही आप मिल जाया करता था। अगले जमाने की बातें और थी, बेटे वालियाँ बर ही रह जाती थी, दहलीज की खाक ले जाती थी तब रिश्ता मिलता था, मगर अब तो बेटे वालों का वो डसता है कि सीधे मुंह बात नहीं करती। अपनी बहन को नहीं देखते कैसी बदली है। कल तक किश्वर की बनाए लेती थी, कहा करती थी कि किश्वर तो मेरी है। आ गया ना फिर वो जिक्र। अजी जिक्र कैसे ना आएगा, ये भी कोई बात हुई? मशहूर तो ये हो गया कि किश्वर कुप्पी के घर हो रही है। हाँ हाँ, दुनिया में कैसी थोड़ी थोड़ी होगी, और हमारी लौंडिया थक जाएगी सो वो अलग। किसी अच्छी जगह गई होगी तो हम भी कहते हैं कि बड़ी बुआ की कलसा बच जाएगी। डिप्टी साहब डूबे खाक में भी जाए, सूखी लड़की शौक से जाए, सूरत का शक्ल भाड़ में से निकल लंबी लग रही, ऊपर से एनक लगा ली, लो भाई फैशन एप्पल बन गई। मैंने कह दिया बेटी बुरा मानियो मत, तुम्हारी एनक का फैशन मुझे तो एक आंख नहीं भाता। तुरंत बोली कि फैशन नहीं, मेरी आंखें कमजोर है। जी मैं आई थी कहूँ कि बेटी आंखें क्या आगे खराब ना होती थी, हमने तो किसी सियानी लड़की को एनक लगाते नहीं देखा। फिर मैंने कहा कि छोड़ो, हमें क्या पड़ी कि किसी के बात में कुछ बोले। मेरे काफिल करो, मैं डिप्टी कलेक्टर की माँ हूँ। अजी बड़ी बहुत, तुम तो जब से डिप्टी कलेक्टर की माँ बनी हो हम तुम्हारी सूरत को तरस गए। अरे हाँ ये तो तुम ठीक ही कहती हो, क्या करूँ, अरे दोपहर को पकाने रिंधने में ही हो जावे है, और तुम जानो कि जाड़ों का दिन ही कितना हो गए। इधर आंगन में आके बैठी कि धूप ले लूं, धूप तो ऐसी धूप छाओ की तरह आए हो गए है कि आंगन से दीवार पे और दीवार से मुंडे पे। हेलो पल भर में शाम हो गई, मगरिब की अजान हुई नमाज पढ़ी, नमाज के बाद मैं वजीफा पढ़ने गए जाऊंगी। अभी मैं आज कलीमा का वजीफा पढ़ लगी, अल्लाह करे पूरा हो जाए। बड़ी बुआ आराम। बेटी जी की हो पढ़ ले नींद से बड़ी हो। मैंने क्या करेगी, हाँ मैं आयते करीमा का वजीफा पढ़ रही हूँ, अल्लाह करे पूरा हो जाए और मुराद भर आए। खुदा ने चाहा तो मुराद भर आएगा बड़ी बुआ, और तुम्हारा शाहिद डिप्टी कलेक्टर बनेगा। मुझे बशारत हुई है। अरे क्या हुआ, परसों मुझे वजीफा पढ़ते पढ़ते ऊँग आ गई, फिर मैं एक साथ चौंक पड़ी, ऐसा लगा कोई आया था। मैंने चारों तरफ देखा कोई नहीं। अजी क्या बताओ, तुम झूठ जानोगी, सारे घर में खुशबू। मैंने शाहिद से कहा कि बेटा शाहिद, अरे तुम ये चमेली के फूल कहाँ से लाया है? बोला बुआ कैसे फूल। मैंने कहा बेटा मुझे तो चमेली के फूलों की खुशबू आ रही है। भाई उसी रात मैंने अब्बा जी को ख्वाब में देखा, मैं जैसे बड़ा सा भाई, अब्बा जी हाथ में हरा हरा दौना लिए आए हैं और उसे ताक पे रख दिया है। फिर मैंने दौने में से पेड़ा उठा लिया। बस बीबी फिर मेरी आँख खुल गई। मुबारक हो बड़ी बुआ, तुम्हारा शायद डिप्टी कलेक्टर हो गया, अब तो पेड़ ही बाटी हो गए। बीबी मैंने उसी वक्त मन्नत मान ली थी कि मथुरा के पेड़ों का मौलू शरीफ करूंगी। बड़ी बुआ मथुरा के पेड़ आप कहाँ से मंगाएंगी? अरे बेटी मंगाने को क्या हुआ है, पैसा होना चाहिए। और अब तो हमारे पिछले की दुकान है, मैंने पिछली जुमरात वाला मुश्किल कुशा का दौना दिलाया था तो उसी से लड्डू मंगवाए थे, मैं तो उसी से मथुरा के पेड़े बनवाऊंगी। बड़ी बुआ मथुरा के पेड़े तो मथुरा ही के मिलते हैं। अरे बेटी मुझे बावला मत बनाया कर, पाकिस्तान में बाहर की लखू का चीज मौजूद है, दूध रंगूनी चावल अल्लाह रखो वो अमेरिका का गेहूँ, अब खुदा तुम्हारा भला करे वो पेरिस का मिसी सुमा दसावा के माल से बाजार पटा पड़ा है। अरे मथुरा के पेड़े कोई हीरे जवाहरे के ना मिलेंगे। सुमन बुकमन मथुरा के पेड़े खाओगे? किश्वर बेटी मैं अपना दुपट्टा तसले में भिगवाई थी, जरा उसे जाकर पुड़िया लगा दे, मैं बड़ी बुआ से बात करूँ। बड़ी बुआ तुम्हारे लिए पान लगाऊ? अरे चूना कम लगाइयो, कल डिप्टी साहब की गई वहां जो पान खाया तो चूना निगोड़ा ऐसा कैसा कि जबान के पतले हो गए। बड़ी बुआ हमारे तो अपनी जाने कैसा चूना आया है कि जबान पर लगता ही नहीं, मैं जानू मरा हुआ चूना है। अरे कम बकत मारे चूने में तो मिलावट कर रहे हैं, तय चलिया करो। अरे क्या क्या देख के लें, अब तो बस घड़े का पानी खालिस रह गए। बड़े आदमी है उन्हें खालिस चूना मिल जाता होगा।
अल्लाह रखो हमारा शाहिद डिप्टी कलेक्टर हो जाए तो हमें भी अच्छी चीजें मिल जाया करेंगी। बड़ी बुआ अब तुम दाल ही खाया करोगी। ए बीबी वो वक्त आवे तो सही, खुदा ने चाहा तो जल्दी आएगा। बड़ी बुआ शाहिद की तकरूरी हो जाए तो बस ब्याह कर डालो। ना बीबी अभी तो मैं अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। बड़ी बुआ बहू क्या तुम्हें खुदा ना करे कमाई ना खाने देगी? अजी आजकल की बहुएं तो आते ही सास को ताक पे बिठा दे रहे हैं। मैं तो अपनी बहू से ऐसी खिदमत करवाऊंगी जैसे डिप्टी साहब की माँ ने कराई थी। डिप्टी साहब हैं तो बड़े आदमी, मगर भाई मैं तो खुदा लगती कहूंगी। तू भी फसीस है, माँ को क्या राज लजाया? हम तो ये जानते हैं कि हंडिया में पकाया और कुलिया में खाया। माशाल्लाह हमारे शाहिद का हाथ चला हुआ है, माँ को राज तो वो रजाएगा। अरे बीबी फसीस पन की तो ये है कि जो हाथ रोक के हट गए वो फसीस हो गया। वैसे तो माशाल्लाह उनके घर दो दो हंडिया पके हैं और दोनों बहुत बकरे का गोश्त दस्तरखान पर हो गए। बड़ी बुआ इंसाफ की बात क्या करो, क्या मैंने उनके घर का खाना देखा नहीं है? अल्लाह रब्बो कुंभा भी तो कितना बड़ा है, दो सालन तो चटनी बन जाते। हंडिया की हंडिया कश्ती वो लट्टी और दस्तरखान पे ला के रख दी। आदमी वालों के घर में कहीं ये हुआ करता है? अजी शुक्र करो कि अब डिप्टी साहब के बकरे का गोश्त तो पक जाता है। जब तक माँ जिंदा रही तो सातवें दिन बकरे का गोश्त आता था और छह दिन मसूर की दाल पका करती थी। गरीब ने चाय हमेशा गुड़ की बनाकर। मैं कहता था कि खाला अब तो तुम्हारा बेटा हाकिम है, दाली में चीनी नहीं आती क्या? जब आप देती बेटा गुड़ से चाय सौंधी हो जावे है। बात यह है कि इतनी जल्दी आदत कैसे बदल जाती, पानी भरते भरते शरीफ बन रहा। भैया तुम तो हमारे में कीड़े डालो हो। कीड़े डालने की इसमें क्या बात है? डिप्टी साहब के दादा को तो हमारे अब्बा जी ने कांधे पर मश्क लादे देखा था, बल्कि हमने भी अपने बचपन में उनकी बैठक में मश्क टंगी देखी है। अल्लाह की शान है कि सबसे से सैयद बन गए, अब वो शहर के इज्जतदारों में। भाई तुम्हारे अब्बा तो तेरी मुंह फट, एक रोज डिप्टी साहब से पूछ बैठे। अमां तुम्हारा शजरा वजरा भी है? बोले हिजरत में गुम हो गया था। बहुत हैरान हो गए। हिजरत? हम कैसी हिजरत, तुम तो पहले ही आगे थे। क्या जवाब देते हैं? खालू बात यह है कि हम फ्रांसीसी सैयद हैं। मुसलमानों ने हिजरत की तो हमारे बुजुर्ग फ्रांस निकल गए थे। भला पूछो स्पेन में कब किसने सैयदों को घुसने दिया था? अब्बा जी बोले टीपू सुल्तान और वाली फ्रांस में सुलानामा हुआ तो था। आपका खानदान टीपू सुल्तान के अहद में हिंदुस्तान आया होगा। मियां जान तुम तो हर इंतजार के अहद निकालो। भाई हम कहते हैं हमें क्या उनका ही ईमान जाने। और भाई जहाँ तक सैयद बनने की बात है तो पाकिस्तान में हमारे देखते ही देखते न जाने कितने सैयद हो गए। गरीब बख्शवाले वहां को शेर कलाल बजावे थे, यहाँ मौला की शान सैयद है। पाकिस्तान की भली कही, यहाँ तो शेर कलाल सैयद है। हमारे देखते देखते इतने वजीर और सैयद बने हैं कि अब तो हमने डिप्टी साहब को भी सैयद मान लिया। डिप्टी साहब पढ़े लिखे तो है, फ्रांसीसी सैयद बनना उन्हें देख देता था। पढ़े लिखे भी ऐसे कि पागल होते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं। बड़ी बुआ बताया दे रहा हूँ, तेरा बेटा डिप्टी कलेक्टर हो जाए वो भी फ्रांसीसी सैयदों से कम नहीं है। मेरा लौंडा ऐसा नहीं है। अच्छा देख लीजियो, तेरी सारी इबादत पर पानी फेरेगा। कुंडलों पसाइयों में अंग्रेजी बोलता ना फेरे तो मेरा नाम बदल दे। तुम बड़े अच्छे आए मेरे बच्चे को पोसने वाले। अंग्रेजी पढ़ के हराम खोर के दिमाग में फुटूर आ गया। सारे बैरिस्टर साहब वाले लक्षण है, वो खुदा को नहीं मानते थे, ये मोद्दे को नहीं मानते। कहता है अकल मोद्दे को नहीं मानती। मैंने कहा अबे अकले कुल, अकल के पीछे तू साइंस का डंडा लिए फिरता है। अरे भैया खुदा के खौफ से बेवा के बच्चे पर तोहमत लगाना अच्छा नहीं। तोहमत? ये तोहमत है? हम तो शरीफों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जो मिलता है पूछता है। मियां जान सुना है तुम्हारा भांजा डायरिया हो गया? कसम अल्लाह बाप की शर्म से गर्दन झुक जाती। हाँ हाँ भैया हम तो शर्म के ही लायक है। तुमने तो कभी भांजे को भांजा ना कहा और बहन को बहन ना जाना। ए मियां जान एक माँ का पेट और ऐसा खून सफेद हो जाए। ऐ कभी तो कहते हैं चौदहवीं सदी आ गई, खून के रिश्ते कट गए, मोहब्बतें मुरब्बतें सब उड़ गई। बड़ी बुआ कैसी बातें करो, इनका ये मतलब क्या है? मैं सब जानू उनका क्या मतलब था। अरे भैया हम कोई तुम्हारे रिश्तेदार नहीं। बड़ी बुआ तुम तो हर बात कोंटा डाल देती हो, आखिर मानो ही अगर जरा सी बात होगी तो क्या हो गया? अब बुरी बात पर अपने
अपने ना डांटेंगे तो बाहर वाले डांटने थोड़ा ही आएंगे। बाहर वालों को क्या गरज पड़ी, वो तो तमाशा देखने वाले हैं। हाँ हाँ बीबी, हम तो तमाशे के ही लायक हैं, जिसका जी चाहे हंस ले। अरे आज उसका बाप जिंदा होगा तो मैं क्यों हंसूं। अरे गरीब के बच्चे का जितना चाहे तमाशा बना जाए बना लो, मैं कुछ ना कहूंगी, वो देखने वाला है। क्या मैं जानती नहीं हूँ मायने, फांसी में जैसे तुम बात करती हो मैं खूब जानती हूँ। मेरा अच्छा नहीं लगता तो आपसे नहीं रहूंगी। अजी बड़ी बुआ बैठो तो सही। अजी जाने दो, बड़ी बुआ तो औलाद है। हमारे दिल अब तक अब दूर हुए, कुछ गुजर गई है कुछ गुजर जाएगी, गरीब की हालत अच्छा नहीं होगा। अजी बड़ी बुआ सुनो, बहुत सुन लिया बीबी, अब नहीं सुन रही। अजी बड़ी बुआ, बड़ी बुआ हजार मरतबा कहा है कि बड़ी बुआ के किस्से में दखल न दिया करो, उन्हें बुरा लगता है। तो बुरा लगने की बात भी है भाई, आखिर औलाद है। पर अब वो जमाने तो रहे नहीं जो बुजुर्गों की डांट पर सुन लिया करते थे। अरे ये नई रोशनी के लड़के हैं, बापों की नहीं सुनते, मामू ताया फिर मामू ताया है। और भाई वो किसी से क्यों दबके चले, दबके तो बेटी वाले चलते हैं। दबके बेटी वाले चलते, तुम्हारी इन्हीं बातों ने लौंडिया की भीड़ ले ली। ऐसी बेदिमागी अच्छी नहीं होती। वो जो किसी ने कहा है कि जिस पेड़ में फल आएगा वो झुकेगा, तो औलाद वाले की मिसाल तो उस फल वाले पेड़ की सी है, मगर यहाँ तो बाबा आदम ही निराला है। यानी औलाद के लिए ईमान निकल लूं? अरे ईमान निकलने को कौन कह रहा है, मगर ये भी तो सोचना चाहिए कि बीती का मामला नाजुक होता है, ऐसी वैसी बातें दरगुजर करनी पड़ती है। तुम समझती हो कि मैं दहरिये को अपनी बेटी दूंगा, कसम अल्लाह पाक की फकीर के हाथ में हाथ पकड़ा दूंगा, बैरिये को नहीं ब्याहूंगा। अजी ये भी तुम्हारी खामखा की बात है, कोई आजकल के तो सब लड़के ऐसे ही हैं। अब मैं अपनी बेटी किसी मस्जिद के मुल्ला को तो देने से रही। तुमने तो मेरा घर में बैठना दूभर कर दिया, बेटी 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 ना हुई बलाए जान हो गए। बेटी बेटी मेरी शेरवानी ला, मेरी माँ मुझे घर में बैठ के ना दे। दुपट्टा रंग दिया, रंग कर तार पर लटका आई, शाम तक सूख जाएगा, अपने अपनी कमीज सीऊंगी जरा। मैं जरा जाके हंडिया देखूं। इनकी बातें देखो, खाने के वक्त पे चल दिए, अब खाना ठंडा होगा। मियां जान नहीं आए अभी? आ तो गए हैं मगर अभी अभी बाहर चले गए। क्यों? कुछ नहीं, बस यूं ही। वो भाई वहाँ केक रजिस्ट्री आई थी। अच्छा, फिर कहाँ है वो? मियां जानने के लग दिए। वो भाई वो मियां जान ये पूछ रहे थे, वो मियां जान ये पूछ रहे थे कि आप डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री से मिले। हाँ मिल लिया हूँ, बात नहीं बनी, इनाम फेल हो गई। हेलो भाई, क्यों? बात यह है कि इसके लिए कराची जाना पड़ेगा। तो फिर बात यह है कि आप कराची पहुंच जाए। तो भाई पहले तो आप कराची जाने का हर वक्त बहाना टटोलते थे। हाँ हाँ, मगर बस अब मैं कराची नहीं जाता। किशोर किशोर, बात यह है मैंने सोचा है कि अब कराची नहीं जाऊंगा, सोचा है कि कराची का ख्याल ही कर दूं। एक काम है जो यहाँ चल सकता है, और अगर चल पड़ा तो बात यह है किशोर कि मैं सोचता हूँ कि मतलब तो भाई बताइए ना क्या कह रहे हैं आप। यही कह रहा हूँ कि कराची नहीं जाऊंगा, और मैं जो कहना चाह रहा हूँ किशोर। क्या हुआ तुम्हारा? मियां जान फिलहाल फेल हो गई। फेल हो गई? जी मियां जान। डायरेक्टर साहब तो अपने बड़े मेहरबान हैं। नहीं मियां जान, बात यह है कि लाइसेंस के लिए कराची जाना पड़ेगा। हाँ तो चले जाओ। जी बात यह है कि वहाँ रहना भी पड़ेगा।
हमारे से अच्छा तो ये है कि यहाँ बैठे बैठे टिश पैटर्न बनाते रहो। नहीं आजा, बात ये कि मैंने तदबीर सोची है कि कराची जाने ही ना पड़े। क्या? एक प्लान बनाइए। फिर कोई मंसूबा बना लिया? अब तुम मेरे गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मंसूबे बनाया कर। मियां जान, ऐसा काम है जिसमें 100% नफा ही नफा है। गिलास किला इंडस्ट्री पाकिस्तान में सिरे से नहीं है। ये कौन सी इंडस्ट्री? शीशे के कपड़े की इंडस्ट्री। शीशे के कपड़े की इंडस्ट्री? जी मियां जान, बात ये है कि अमेरिका का एक सनदी रिसाला आता है, इसमें पूरी इकलाम दी हुई है। अमेरिका में आजकल शीशे का कपड़ा बहुत बनता है। शीशे का कपड़ा? अम्मा होश की दवा लो। अजय किश्वर की माँ सुनती हो? अजय इधर आओ। तुमने सुना हमारे फोमिया आपके नया शोशा लाए, कहते हैं शीशे का कपड़ा बनाऊंगा। शीशे का कपड़ा? इतनी अकल की बात क्या करो चाची जान। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये चीज बिल्कुल नहीं होगी। मियां जान, ऐसा होता है कि भट्टी होती है, एक लंबी सी चिमनी होती है जिसके अंदर शीशा पिघलता रहता है, फिर उसके पतले पतले तार खींचे जाते हैं। बस तुम समझ लीजिए जैसे सभी में आप बुन रही है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। अमरीका में आजकल इसका बहुत फैशन है। अब अमरीका के शीशा घरों की नकल हम नहीं कर सकते। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल में भूल गया। और भैया यहाँ तो गाढ़े गजरे का कपड़ा मैसर नहीं, तुम शीशे के कपड़े की बात करते हो। और अगर शीशे का कपड़ा पहनना ही है तो आदमी नंगा क्यों ना फिरे। ये कारखाना हमने खोल दिया तो बस समझ लीजिए काम क्यों चलेगा। बस एक फर्नेस, मेरा मतलब है भट्टी काम करना पड़ेगी। कुल मिलाकर 6,000 का खर्चे, तो 6,000 तो एक बार में निकल आएंगे। 6,000? भैया 6,000 किस घर से आएंगे? कारखाना खोलना तुमने हंसी मजाक समझ रखा है। हम तो ये कहते हैं कि इज्जत नौकरी में है, चाहे कांस्टेबल ही क्यों ना हो। कारखाना तो लाखों का बना लो, कहलाओगे ठठीरे। मियां एफओ, तुम मेरे गधे हो, तुम्हारे बस का ये रोग नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी कोई रजिस्टरी आई। मैं तो ये कहती हूँ कि इफ्को को नौकरी करनी चाहिए। इन आसानों कारखानों में क्या रखा है, उम्र बर्बाद कर देती है। नौकरी इसके बाप ने ना की, ये क्या करेगा। उनके दिमाग में भी कीड़ा था, इनके दिमाग में भी कीड़ा था। शाहिद की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी आपने हमने उठाया था, मगर वो जमाना और था। अब हमारे पास इतना कहाँ है इन आसानों कारखानों में लगाए। जवान लौंडिया घर में बैठी है, मुझे तो यही फिक्र खाई जाती है कि उसका कैसे होगा। कोई वो जमाने तो रहे नहीं जब कुंभ बराजरी होती थी और पैगाम आ रहे हैं, बात चल रही है। अब तो अच्छे बुरे जैसे भी यही घर के लड़के हैं। सच्ची बात तो ये कि मेरा उस लड़के शादी पे बड़ा दिल है, माशाल्लाह ओहदे वाला है, बिठेखा वाला है, और रहा बड़ी हुआ पर तो भैया हाथ पकड़ेगा तो उनकी क्या मजाल की कुछ बोल जाए। आ गया ना फिर वो इज़िक। अरे जिक्र कैसे ना आएगा, ये जिक्र तो आएगा। मैं कहती हूँ तुम शाहिद को कुछ मत कहा करो, बड़ी बुआ से तो साफ साफ बात होगी, उन्होंने हमें समझा क्या है। तुम मुझे घर में बैठने ना दो। मियादा साहब, गुंडू आ गया, अगर अंदर चली जाओ। मियां गुंडू, हाँ आ जाओ। सलाम मियादा। सलाम। आज मास्टर नहीं आए? आएंगे, कब से आएंगे, घड़ी के गुलाब हुए ना। आदमी थोड़ा शरीर की सुई है। तशरीफ लाइए मास्टर साहब। सलाम सलाम सलाम। मुझे मास्टर साहब, आज मैं आपसे साफ पूछ लूं कि आप भी वाकई मोजिज़े को नहीं मानते। हाँ मास्टर साहब, आज आप बता ही दीजिए। एक हमारे घर में भी आपका शागिर्द पैदा हो गया। मियां बंधू, हमारे जो खांजे मियां पैदा हुए हैं वो मास्टर साहब से सवा हाथ आगे हैं। साइंस की तारीफ में जमीन और आसमान के पुल्लावे मिला रहा था। कहने लगा साइंस की बदौलत आदमी चांद तक पहुंच गया। मैंने कहा मियां, दिन तुम्हारी साइंस चांद के दो टुकड़े करके दिखा दे, उस दिन हमारे सामने बात करना। बेईमान, मुझे कहता है मियां जान मैं आपके मोहब्बत को नहीं मान। मैंने कहा तू कौन होता है, मेरे बड़ों ने माना है। आया बड़ा तहरिया बन के।
मास्टर साहब क्या आप भी सचमुच मौत से वो नहीं मानते? मास्टर साहब आप विद्रिक को तो मानते हैं जी, और कैकर शाह को? उसे भी मानता हूँ। मास्टर साहब आप कैकर शाह को मानते हैं तो बुर्राक को कैसे नहीं मानेंगे? और अगर बुर्राक को मान लिया तो मौत से को मान लिया। हमारे मस्तरी साइंस का कोई उसूल उसूल नहीं, एक चीज को मानती है एक चीज को नहीं मानती। अब मिर्रीक को मानती है, सितारों को नहीं मानती। अच्छा साहब, ये लोग कहते हैं कि साइंस के दौर पर हम मिर्रीक में पहुंच जाएंगे। मैं कहता हूं पहुंच जाओ, पहुंच लेने दो साइंस को मिर्रीक में। जिन जिन चीजों से इंकारी है सबको मानेगी। आसमान का फूका हलक में आएगा। हाँ, आसमान क्या है? आसमान मैं नहीं मानता। लो मिया कुंदू, सुन रहे हो? अब आसमान को भी नहीं मानते। मास्टर साहब, फिर यो सफेद सफेद नीला नीला साहब, अगर आप कह रहे हैं कि आसमान नहीं है तो फिर क्या फाख्ता का अंडा है? हद्द-ए-नजर, हद्द-ए-नजर क्या? मियां जान, साइंस कहती है कि आसमान कोई शय नहीं है। आदमी की नजर क्या है जहां तक जाती है उसे हमने आसमान का नाम दे दिया। हां मास्टर साहब, तुम्हारी साइंस तो जहालत की बात करती है। नजर की कोई भी हद नहीं होती। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, यूं समझ लो के सामने दीवार आ गई। अब अगर दीवार ना होती तो गली की सारी चीजें मुझे नजर आती। आसमान से उधर की तो कोई चीज हमें नजर नहीं आती ना। इसके मानी ये हुए कि फिर बीच में आसमान की दीवार आ गई तो फिर आसमान हुआ ना। मियां जान साहब, यूं आसमान इन्हें नजर नहीं आएगा। साइंस वाली स्पुटनिक के घोड़े पर सवार है, जब चित गिरेगी ना तभी आसमान नजर आएगा। मियां जान साहब, ये दीवार का पट्टा दिलवाओ पैसे। मेरी लुगदी तैयार है, अभी मैं कुछ नहीं कहता। मेरा मांझा तैयार हो जावे फिर मैं शायद मियां से पूछूंगा कि मियां कहां गया वो तुम्हारा स्कूटी। मास्टर साहब, ये तो अलग अलग की बात है। अड़ंगे में अच्छा चला जावे तो संभी का दूसरा रंगे में आ गया। हाँ मियां बुंदू, अगर अड़ंगे की बात है तो हम ये बता देते हैं कि अमरीका भी बहुत बड़ा अड़ंगे बात है। दाव पर लागत ऐसा पछाड़ेगा कि तुम्हारी साइंस को आसमान नजर आए ना आए तुम्हें जरूर नजर आ जाए। मियां जान साहब, रूस तूस बिखेड़ देगा अमेरिका के। हाँ नहीं, तुम रूस को समझते क्या हो? मुझसे पूछो तो चींटी के पर निकल आए ना बस। क्या मतलब? मतलब ये कि स्पुटनिक चींटी का पर है। पहले रूस चुटकी मारने से भटकता था और अपने अंडे में बंद हो जाता था, अब उसने शहर का रुख किया है, बस अब मारा गया। मियां जान साहब, रूस मारे ही मारे। मियां जान, वक्त हो गया, हम चले। अच्छा मास्टर साहब, सलाम। सलाम। मियां जान साहब, आज मास्टर अड़ंगे में आ गया। नहीं आमा, किसकी बात करते हो, जाहिल आदमी है। नहीं मियां जान, ये ना तो मास्टर ने किताब बहुत पढ़ी है। अमन नहीं, हमारे मास्टर बेचारे का कोई कसूर नहीं है। इल्म उसे बच्चा दे गया, खुद तो उड़नचू हो गया, उसे किताबों में बंद कर गया। अच्छा मियां जान, सलाम। सलाम मियां बुंदू। ईश्वर बेटे, ईश्वर से।
बात ये कि ग्लास प्लांट इंडस्ट्री के तो बहुत सरमाए चाहिए। मैंने एक और प्लान बनाई है, प्लास्टिक इंडस्ट्री प्लान। प्लास्टिक इंडस्ट्री में सरमाए बहुत है, इसमें थोड़ा है तो थोड़े से शुरू करो और ज्यादा है तो ज्यादा से शुरू करो। और फिर प्लास्टिक का सामान पाकिस्तान में क्या है? क्या तोहफा है भैया? हैरान होकर ऐसे लगते हैं आप उसे मजाक क्यों करते हैं? यहाँ नहीं है ईश्वर, यहाँ नहीं है। कहाँ चले जाते हैं सब लोग? मिया इसको अब तुम ये शेर चिल्ली पना छोड़ो और कोई काम करो बेटा। मैंने सोच लिया है कि ग्लास प्लांट इंडस्ट्री में तो बहुत सरमाए चाहिए। प्लास्टिक इंडस्ट्री का मामला सीधा साधा है, बट बारह मशीन यानी एक टाइम एक भट्टी चंद साफ से और चंद कारीगर ये बाद में काम फैला ही देंगे। मियाजान आजकल हर चीज प्लास्टिक की बन रही है। कल मैंने सिगरेट केस देखा, बिल्कुल हाथी दांत का लगा था और से देखा तो प्लास्टिक का था। और प्लास्टिक की चूड़ियां तो आम है और अब तो घरेलू चीजों में प्लास्टिक आ गया है। तो बस एक गाय एक भट्टी चंद साथ और चंद कारीगर यह तो मैंने अभी भी साथ लगाया, कुल मिलाकर 3,850 रुपये का खर्च। आम तो अच्छा है मगर तुम्हारे बस का रोग नहीं है ये बेटा। नहीं यह सर, बात यह है कि मैं यह सर आदाब मियां जान, मैं कल कराची जा रहा हूँ। शाहिद मियां अच्छे तो हो? आदाब हमारी जान, जीते रहो हमारी जान। मैं कल कराची जा रहा हूँ। अरे कभी ऐसे भी सफर होते हैं कि बैठे बैठे उठ खड़े हुए? बस अब तो जा ही रहा हूँ। भैया तुम्हारे इंटरव्यू का जो नतीजा आना था वो अभी नहीं आया। मुमानी जान वो मामला गड़बड़ हो गया। अच्छी बोर्ड वाले सब जाएगा वो भाई हद हो गई। मैं कह रहा हूँ फ्लॉबर, वो कहे फ्लॉबर्ट। मैंने कहा आंद्रे जी, वो कहे आंद्रे गाइड। और कामियों का नाम तो यूं आया कि कैमियोस बन गया। तुमने तो क्या ही लगा दी किश्वर खाना उतार तो रही है। अच्छा मैं अब चलता हूँ। भैया खाना खा कर जाना। नहीं मुमानी जान मुझे अब सफर का इंतजार करना है। खुदा तेरे कामयाब और कराओ। मिलाद मिलाद यानी मलाय जान से मैं कहती हूँ आप आदमी नहीं रहे। अच्छे हाथ पे प्लानिंग बोर्ड बनकर रहे हैं। तुम समझती नहीं हो विश्व। मैं सब समझती हूँ। मेरे सामने कैसे बातें मिलाते हैं? मियां जान के सामने जाकर सुमन मुकमन बन जाते हैं और सर बुझाते बुझाते चले जाते हैं। बात ये है कि अपनी सारी प्लानिंग अपनी कुछ गड़बड़ रही है। बस ये थी सारी खराबी। वह अब आपकी प्लानिंग गड़बड़ नहीं होगी। अब आपको एक प्लान मैं बताती हूँ। आप मंसूबा नवीद बन जाइए। जैसे कचहरियों में अर्जी नवीस और नक्शा नवीस बैठे रहते हैं, आप भी किसी बड़े से दफ्तर के सामने संदूक से रखकर बैठ जाइए और लोगों को मंसूबे बना बना कर दीजिए। नहीं किश्वर अब मैंने प्लान बना लिया है। मियां जानती है यही चाहते हैं। मुझे भी यही कहती है कि आपको नौकरी कर लेनी चाहिए मगर आपका तो भूत सवार है कारोबार का। नौकरी? नौकरी में क्या रखा है? मगर आपकी प्लानिंग भी तो आपको बाद में परवान चढ़ेगी। उस वक्त तक तो आपके लिए तो प्लान सब कुछ। ईश्वर ये बात नहीं है। बात ये कि जब तक आदमी अपने पैरों पर खड़ा रहा उस वक्त तो उसका क्या हुआ इस बात करने का? और आप अपने पैरों पर इसलिए खड़ा नहीं होना चाहते कि आपको ये बात में करनी पड़ जाए? तुम मुझे कितना गलत समझती हो। मैं आपको सब समझती हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे आप मुझे बनाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ मैं खूब समझती हूँ आप मुझसे। आपको मेरा जरा भी बना दी किश्वर, मैंने सोच लिया कि मियां जान से बात नहीं लेता हूँ। बात ये मेरी प्लान ये थी कि शायद का पता कट जाए तो कट गया। प्लान ये थी कि बड़ी बुआ की बात ना चले, सो वो भी ना चलेगी।
अब मसला ये कि मैं कारोबार की प्लान चले उसके बाद ये बात करूँ। उसके बाद यानी कयामत में। अच्छा तो मियां जान से बात की लेता हूँ, पहले अपने कारोबार की प्लान बताऊंगा उसके बाद। हाँ आज बात हो ही जाएगी। मैं ये कहती हूँ कि ये मामला बीच में कब तक लटका रहेगा? बड़ी बुआ ने कड़ियाई लगा दी है, भाई वो भी सच्ची है, आखिर वो कब तक इंतजार करेगी? तो जवाब तो हमें देना चाहिए, हाँ में या ना में। पहले ये भी कोई बात हुई, घूम करके चुप हो जाते। तुम मेरा दिमाग मत चाटो, जो जी में आए करो। ये और नई बात हुई, ये भी खूब रही कि जो जी में आए करो। तुम्हारी औलाद नहीं है क्या? मेरी तो दोनों तरफ से आफत है। बड़ी बुआ सारा इल्जाम मुझ पर डाल देगी कि भैया तो राजी था, भावस में ना होने दी। ना मैं जवाब ना दूं, तुम उनके भाई, वो तुम्हारी बहन, तुम जानो वो जानो। तो फिर तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती? अच्छा लड़का हो और कमाऊ हो, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? तुम्हें कंपनी की नौकरी में क्या रखा है? ना पैसा ना इज्जत, टूटा बर्तन ढटीरे के सर। जब तक डिप्टी कलेक्टर ही उम्मीद रही, डिप्टी साहब की घुस के जाती थी, डिप्टी कलेक्टर ही गलती जाते, उन्होंने हिसाब दिलाते थे। अब वो भी अपनी जगह पर सच्चे हैं, आखिर देखभाल के ही करेंगे, अब कोई आंखें बंद करके तो भी लड़की को धक्का नहीं दे देता। अरे डिप्टी साहब की भली कही, तनकी है कोई, बावनों का खानदान है ना, बैरिस्टर साहब कितना दिमाग नहीं चला है बस, अगर सनक तो है। और फिर ऐसे हसन नसब वाला उन्हें कहां से मिल जाएगा? भोला नहीं होता कि एक एक हजार रुपया तनख्वाहों में बांटता फिर। हाँ भाई, बीच में से मारे को और बात, मैं तो ये कहूँ कि जब कोई कंपनी ऐसा है ही नहीं तो हम क्यों लड़की की जान जीत में डाले। हाँ हाँ हाँ, माँ बेटे दोनों शेख थे कि अल्लाह मोहल्ले वाले बुजुर्गों के सामने हमेशा सर झुका कर बात करनी चाहिए, मगर ना बीबी वो तो हवा के घोड़े पर सवार था। आराम शोर से मैंने बहुत कहा था, आदमी के जाने में रहे, बड़ा आया है कहीं से फ्रांसीसी सैयद बन के। बैरिस्टर साहब का जो हाल हुआ वो होगा तेरा भी, अगर नहीं कहा अंग्रेजी के रस्सी ने हमारी बात सुनी नहीं। मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ, डिप्टी कलेक्टर बन जाता तो हर वक्त अंग्रेजी की टांग थोड़ा करता, अब कंपनी की नौकरी तकने गीले कर देगी। भाई हमें उससे क्या, मैं तो ये कहूँ की जब पौधा ही नहीं है तो हम अपनी लड़की की जान दूर सीट में डाले। और माशाल्लाह हमें तो लड़कों की ऐसे कमी थोड़ी है, एक लड़का तो घर में ही बैठा। मियां जान मैंने एक प्लान बनाई है। अरे यार प्लान मियां, ये प्लान मिलान कब तक बनाते रहोगे? आदमी बनो और कोई काम करो। मियां जान मैंने बस एक आखिरी प्लान तैयार की है, अब के ज्यादा चौड़ा लंबा खर्चा ही नहीं रखा है मैंने। मैं कहता हूँ आदमी को लंबा चौड़ा मनसूबा बनाना ही चाहिए, मुख्तसर से काम शुरू करे, मसलन चूड़ियों का काम। मियां जान इसमें कोई लंबा चौड़ा खर्च नहीं है,
मैंने हिसाब लगाए ज्यादा से ज्यादा 1500 के खर्चे। तो गोया अब तुम मिनहार बनोगे? नहीं मियां जान, ये तो इंडस्ट्री है। भैया चूड़ियों का काम करोगे तो मिनहार ही कहलाओगे, तुम कहां करोगे, इंडस्ट्री है, लोगों का मुंह कौन बंद करेगा। लोग ये मियां जान के भतीजे को अच्छा परवरिश करे, आपके मिनहार के काम पे लगा दिया। चाची जान मिनहार की दुकान थोड़ी खोली जा रही है, वो तो चूड़ियों का कारखाना होगा। भैया मैं ये कहूँ कि तुम माशाल्लाह पढ़े लिखे, ऐसा भी नहीं कि कोई और जरिया ना हो। तुमने कारखानों में क्या रखा है, सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर लेते? आदमी काम भी करे तो इज्जत का करे। क्योंकि वो इलास्टिक प्लास्टिक वो क्या कह रहे थे मुझे, उसका काम होता तो एक बार भी नहीं, चूड़ियों का काम हम तुम्हें ना कर देंगे। चाची जान बात ये की प्लास्टिक इंडस्ट्री रकम मांगती है। बेटा रकम की वजह से खानदान की इज्जत को हाथ में गिरा देनी चाहिए। रकम का क्या है, आदमी का इरादा होना चाहिए, बाकी अल्लाह का छोड़ दे। मगर मियां जान मैंने सोचा है कि ये प्लान, बात ये कि मैं जरा देखो तो सही है, क्या चीज है बड़ी बुआ, ये क्या चीज है। अजी मैं क्या जानूं, तुम्हारा शाही रोज एक पार्सल खेल रहे हैं। अरे बेटी किश्वर जरा देखो सही है, क्या चीज है। आइए किश्वर कहाँ गए, बड़ी बुआ ना। अरे बेटी जीती रहो, पर नीम से बड़ी हो, अच्छा सा दुल्हा मिले। आई बेबी आई जरा देख तो सही है, क्या चीज है। आई मुझे तो औजार से लगे हैं। बड़ी बुआ कांटे हैं ये, इनके साथ चमचे और छुरियां भी तो होंगी। आई हाँ वो भी हैं। आई बेटी तुझे यकीन नहीं आवेगा, इतने बड़े बड़े चमचे और इतनी बहुत सी छुरिये। आई मैंने कहा बेटा तरकारी के लिए मुझे एक छुरी भोजे थी, ये ढेर सारी छुरियां क्या है, तो मुझे मसाले की दुकान करनी है और साथ में तू कह रहे हैं कि कांटे हैं तो बेटी कांटे ही होंगे। बड़े बुआ शाहिद भाई ने आपको छुरी कांटे भेजे, अब आप छुरी कांटे से खाना खाया करें। नॉट आई मैं तुम गाँव छुरी खाते से, आई कोई मेरे गले पे छुरी भी रखते तो भी ना खाओ। आई मैं उसे भी भेजूंगी कि बेटा ये सौगात है, ये भी कम करो। बीबी तुम्हारे शादी का ऐसा हाथ खुला है कि मैं जानू सारी तनख्वाह सौदा खुला में बांटे रहे हैं। आई रोज एक पार्सल आ जा रहे हैं, भला मैं मुसलमान कहाँ संभाल। ऐ भैया मैंने तो सिर्फ अपने लिए दिया है कि बेटा अपना घर बाहर आबाद करो, तुम्हारा घर संभालना मेरे बस का नहीं है। तो बीबी मैं तो ये कहूँ हूँ कि आप जल्दी से शादी का बेह कर दो। ब्याह तो होना ही चाहिए, और बड़ी को ये भी समझाना चाहिए कि फजूल खर्ची अच्छी नहीं, बड़ी बड़ी तनख्वाहों वालों के हाथ तंग हो रहे हैं। भाई वैसे अलले तलले से खर्च करेंगे तो काले को पाटा बन देगा। बीबी तनख्वाह तो तुम्हारे शाही की भी माशाल्लाह माकूल है, 1000 रुपया महीना मिले है, क्या किसी डिप्टी कलेक्टर की तनख्वाह होगी। और मैं तो कहूँ की अच्छा ही हुआ डिप्टी कलेक्टर ही ना मिले, खुदा को हमारी बेहतरी मंजूर। और बीबी डिप्टी कलेक्टर का तो अब नाम ही नाम है, पहले डिप्टी कलेक्टर जिले का हाकिम हो गए था, अभी भी आगे जमाने की डिप्टी कलेक्टर ही ये है कि अपने डिप्टी साहब को ही ले लो, घर साहब हो गए गाड़ी का वहां, और घर की हालत ये कि डूबी ले कुर्सियां सब किराए की हैं। ऐ वो कुर्सी वाला रोज तक आते तो आ रहे हैं, रोज यही हो रहे हैं, आज देवे कल देवे। ऐ वो जो किसी ने कहा है ना कि भरम भारी और पिटारा खाली, असर कर दी। बड़े बुआ तो डिप्टी साहब का मेरे सामने जिक्र ना किया था, ओछे लोग हैं यहाँ के, कई मौजूद लोगों ने मुझसे पूछा क्यों साहब आप बताइए, आप भी तो वही के हैं, ये लोग अपने आप को फ्रांसीसी सैयद बताते हैं। हाँ कहो तो मुश्किल, नहीं कहो तो मुश्किल। मैं तो कहूँ कि फ्रांसीसी सैयद हो तो इसका ढकोरा पीने की क्या जरूरत है। अरे भाई हम तो किसी से नहीं कहते कि हम सैयद हैं, बल्कि हमारा तो शजा भी था। अब्बा जी कहा करे थे अबसे दूर, जब तुम्हारा बदर पड़ा था तो बादशाह ने चलते चलते हमारे परदादा को रूपा लिख के भेज दिया। हमारे परदादा ने क्या किया कि वो रूपा और शजा दोनों ने के मेरा सी लौटी में से रास्ते में जाट गुज्जर टूट पड़े, इसी अफरा तक उनके और रूपा और शजा दोनों कहीं खो गए। आज वो रुका होता तो हम भी नहीं सोते। तो बीबी हम तो बदर के मारे हुए हैं, अब खुदा खुदा करके हम उनकी सूरत दिखाई दी है। ओ बीबी मैंने बहुत दुख उठाए हैं, शाही मौत हो गया, अल्लाह उसे खुश रखे।
अब तो हसरत ये है कि चांद सी बहू घर में आवे। आमीन। मेरी बहू खुदा से तौबा करके कहती हूँ सोने में तुलेगी, और अब तो अल्लाह रखो तुम्हारे शाहिद ने मोटर भी खरीद ली है। मोटर? हाँ बीबी, उसने मोटर खरीदी है। मैंने उसे लिखा है कि अब तुम आवे है तो मोटर में बैठ के आ। मियां जान, ऐसे तुम्हारा शाहिद बिल्कुल बदल गया है। उसने कराची के यतीम खाने में 500 रुपए चंदा भरा था। हमारे शाहिद की ऐसी धूम हुई कि अखबार वालों ने खबर अखबार में छाप दी। मैंने पहले ही कहा था कि कंपनी की नौकरी बेईमान की अकल दुरुस्त कर देगी। मुझसे कहता था मियां जान, मैं आपके मौजे वौजे को नहीं मानता। अब वो मौजे को माने है। मैंने उसे खत में लिखा कि बेटा मुझे बशारत हुई है तुझे मर्तबा मिलेगा। मैंने ख्वाब में गुल गुल लिखा है अल्लाह की कसम एक पथरवारा हुआ था मुझे नौकरी मिल गई। अब वो आ जाए तो यहाँ बिना अभी भी तुम्हारा शाहिद एक माह की छुट्टियों पर आ रहा है। उसने गुलबर्ग में जमीन के लिए खतो किताब रखी है। गुलबर्ग में? हाँ भी मैंने उसे भुगेरा मना किया, मगर उसने कहा कि मकान बना लेंगे तो गुलबर्ग में ही बना लेंगे। मैंने कहा बेटा मेरा क्या है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो कब्र में पाँव लटकाए बैठी हूँ, मैं तो बस ये चाहूँ हूँ कि जल्दी से तुम्हारा सेहरा बना ले। दीदी मेरा एक ही बच्चा है, मैं चाहूँ हूँ कि खानदान में रह जाए। और मैंने उसे भी कह दिया है कि बेटा खानदान में रह कौन गया है, एक तुम्हारा मामू है। मैं चाहूँ हूँ कि भैया से जुड़ जाओ, तुम्हें कहीं और का नाम लिया तो कुरान की कसम में जहर खा लूं। दीदी तो मैं आज इसका जवाब लेके जाऊंगी। हम क्या जवाब दें, बेटा भी तुम्हारा है बेटी भी तुम्हारी, तुम्हें प्यार है बड़ी दुआ है। मैंने मियाँ जान को पहले ही कह दिया था कि मियाँ जान किश्वर को मुझे दे दो। किश्वर पहले भी तुम्हारी अब भी तुम्हारी है, इंतजाम कर लो। माँ का ब्याह जाते वक्त मेरे पास है कि शाहिद को कुछ कहवाना है, तो मैंने पहले ही कह दिया है कि इस माह छुट्टियों में तत्कालिक मुकर्रर कर दूंगी। और मास्टर से भी कह दिया है कि उसको पूछ नीच समझा दीजियो और छुट्टियों में ना उसके साथ कराची से मोटर में बैठ के आइयो। बुंदू आ गया, तुम जरा अंदर चली जाओ। अजी चली भी जाओ। या बुंदू खां आ जाओ। सलाम मियां। सलाम। ओ क्या हाल है मियां जान साहब, इस स्पुटनिक मार मांझे ने अपना कबाड़ा कट दिया। अब क्या हुआ मियां जान जी, स्कीम फेल हो गई। हाँ नहीं, अल्लाह कसम मियां जान जी, काम मैदे ने चौपट किया। मैंने मैदे वाले से कह दिया था कि यार खाने के लिए नहीं ले जा रहा हूँ, लुगदी के लिए चाहिए, ना खालिस मैदा देना। मियाँ जान साहब पेट तो सारा उम्र है यार की जम्बी लेके उसमें जो डाल दो ठीक है, पर मांझा तो पेट की याद नहीं है ना। लुट्टी बनी तो मैंने कहा मियाँ बुंदू इस बुढ़ी मार मांझे की लुट्टी तो नहीं है ये, तो मियाँ जान की स्कीम फेल हो गई। हाँ मियाँ एफओ, वो तुम क्या जिक्र कर रहे थे। हाँ सुबह तो अच्छा है मगर बेटा मुझे डर है वो किरान फेल हो गई। मियाँ जान जी इसको मियाँ मेरी नहीं सुनते, मैंने इन्हें एक ऐसी अच्छी स्कीम बताई है कि हल्दी लगे ना फिट करी रंग चौखा ही आए। मियाँ बुंदू तुम्हारी स्कीमें भी बस हवा में ही होती है। नहीं मियाँ जान, मैंने इन्हें एक ऐसा काम बताया है कि उसमें 100% ही फायदा ही फायदा है। आपको तो जी पता है कि अपने रेजर ब्लेड वालों को हुकूमत ने इंपोर्ट लाइसेंस नहीं दिया है, वो यहाँ के ब्लेड बनाने वाले उल्टे उस रेजर जामा कर रहे हैं, तो जी लोग अब देसी उसरे खरीद रहे। और उसरो का ये है जी कि अंग्रेजी उसरा तो बाजार में मिलता है, पाकिस्तान में जो उसरा बना है वो यहाँ के ब्लेड से भी ज्यादा फुटकर है। तो मैंने एक मियाँ से कहा कि मियाँ उसरो का कारखाना खोल लो, बस ये समझो कि आजकल उसरो के काम में चांदी है। नहीं तो मियाँ जान साहब दूसरी स्कीम ये है कि कराची में, तो कराची में जी बहुत काम है, अपने बबुआ को देख लो, यहाँ तो किसी शरीफ आदमी ने उसे खत नहीं बनवाया। मैंने उसे बहुत समझाया कि भाई कब तक कबूतरों के परों में कैंचियां लगावेगा, बालों में कैंची लगाना किसी, उसने एक नहीं सुनी। यहाँ तो उसे कबूतर उड़ाते उड़ाते दिन में तारे दिखाई देने लगे, कराची जो गया तो बार बार यूनियन ने उसे अमरीका भिजवा दिया। नहीं सब अपने सर की
अमर कैसे जी? हमारी यूनियन वालों ने अमरीका से कहा कि पाकिस्तान के बॉर्डर अमरीका जाने चाहिए और अमरीका के बॉर्डर पाकिस्तान आने चाहिए, ऐसे में दोनों मुल्कों की दोस्ती पक्की हो जाए। अच्छा मियां जान, सलाम। सलाम मियां बंधू, सलाम। अरे किशोर की माँ, सुनती हो? मैंने ठीक कहा है ना? बड़ी बुआ गई? हाँ अभी अभी गई है, मुझे बुला दी है कि शाहिद का भेजा हुआ सामान देख जाओ। अजी मैंने सोचा आखिर बचपन की लगी हुई है और माशाल्लाह लड़का भी देखा भाला है, अब तो कमाने भी लगा है, अब कोई हमारे लिए कोई आसमान से तो ऊपर उतरेगा नहीं ना। और बड़ी बुआ को सच्ची बात है, ईश्वर से उंस तो बहुत है। अब आगे लड़की की तकदीर, माँ बाप का फर्ज तो यही ना कि देखभाल भी करूं। ईश्वर कहाँ गई? मैंने उसे कहा है कि जरा हंडिया ले, मैं जरा बड़ी बुआ की तरफ आऊं, नहीं तो बुरा मान जाएगी। जरा जल्दी आ जाना। मुझे कौन सा बैठ जाना है, वहाँ उल्टे पांव आऊंगी। ईश्वर बेटी, ईश्वर बेटी, पानी गर्म है? जी पानी गर्म। मैं जरा नहा। बेटी तेरी सूरत उतरी उतरी क्यों हो रही है? तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं आजा, बस सुबह से सर में दर्द हो रहा है। अरे तो दवा खा ली होती, देखो मेरे दराज में गोलियां पड़ी हैं, एक गोली निकाल कर खा ले। मियां इफ़ो कहाँ जा रहे हो? जी शहर में मिली के जरा वहां जा रहा था। हमारा वो जो तुम्हारी प्लान थी ना मियां जान, वो प्लान फेल हो गई। हमारा फेल है नहीं हुई है, तुम देखो साफ साफ करो, कुछ रफ़्तार का बंदोबस्त हो ही जाएगा। जी मुझे शहर जाना ही पड़ेगा, बिजनेस कराची में जाना। हाँ बेटा, वैसे बिजनेस तो कराची में ही है, अब उस शाहिद को देख लो, उस निकम्मे के बस में क्या था सिवाय शेखियां भगाने, कराची में उसको भी काम मिल गया, ऐसे बेटा यहाँ भी काम चल सकता है, है? जी सोच लो। जी अच्छा। बेटी किश्वर गोली खा ली, कैसी तबीयत है? जी अब कुछ ठीक। कपड़े निकाले? बस निकाल दें। अच्छा तुम जाकर आराम करो। ये सुना तुमने कुछ? मेरा दिल तो पहले भी टूटा था, मगर मैंने कहा भी ऐसे कैसे सकता। हुआ क्या? हुआ था पत्थर, तुम्हारे लाडले भांजे अमेरिका जा रहे हैं। अरे तो फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? जरा मास्टर साहब के पास जाकर पूछो क्या हो गया। मास्टर साहब ने शादी का जिक्र किया, उसने जवाब दिया कि फिलहाल तो मैं कंपनी की तरफ से पे लेने के लिए अमरीका जा रहा हूँ, उसके बाद देखी जाएगी। और यूं भी पत्तेदार लड़की से शादी की तो मेरी समझ में नहीं आती, आया है बड़ा भयंकर अंग्रेज बनके, मेरी लड़की को उसने समझा क्या है? उसकी खातिर मैं अपनी लड़की का पर्दा खड़ा दूंगी क्या? खाक गूगल उसने। मैं पहले कहती थी ये लड़का चुबलता है, जो जी में आएगा करेगा। अरे जेब में पैसा है, काम करे तो थोड़ा है। बड़ी बुआ अब सर पकड़ के रोएंगी, वो उनके हाथ नहीं आएगा, घर में फिरंगी मंडी डाल देगा। बड़ी बुआ से पहले ही कहा था तेरे बेटे के लक्षण बुरे, तुझे ये कुछ नहीं करेगा। अजी मैं कहती हूँ कि हमारी लड़की क्यों बदनाम हो, आने दो बड़ी बुआ को। अब तक तो मेरे लिहाज में कुछ नहीं कहा था, मगर अब मैं उन्हें मजा चखा दूंगी, उन्होंने हमें समझा क्या है। अरे भाई जब लड़के पर उनका प्यार नहीं था तो उन्होंने क्यों हमारी बेटी का नाम लिया? अजी मैं कहती हूँ तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या बोलूं? अजी ये भी पूछ रही कि क्या बोलूं? तुम्हें खबर भी है कि कितनी बदनामी होगी? और भाई होगी क्या, हो रही है। हम वक्त में मास्टर साहब की जबानी पैगाम भेजा है, बरादरी में ना फैलती हूँ तो फैल जा रही है, हम तो किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहे। मैं कहती हूँ अब क्या होगा? मैं क्या बताऊँ, तुमने किया है तो भी भुगतो। मैंने किया है? और क्या मैंने किया है? मैं तो बेईमान को जानता था कि वो किसी का नहीं है, अब अमरीका जा रहा है, वहां से आएगा फ्रांसीसी सैयद बनके। अच्छा उसका वही होगा जो बैरिस्टर साहब का हुआ। अजी इस मूछ गुस्से का कुछ भी असर हमें उससे क्या? मैं कहती हूँ कि हमारी लड़की का क्या होगा? वो मुतफ़ाकुल अस्बाब है। अजी ऐसे काम नहीं चला करता। तो फिर कैसे चलता है? मैं कहती हूँ कि कोई दूसरा बंदोबस्त फौरन होना चाहिए। अच्छा तुम बताओ क्या बंदोबस्त करें। अजी देखिए मैं ये कहूँ कि हमारी लड़की का कोई रिश्ता बाहर से तो आएगा नहीं,
और चंद दिन गुजर गए तो हमारी लौड़िया थक जाएगी और सारी बरादरी में हमेशा के लिए नाक कट जाएगी। तो फिर हो गया? अजी मेरी बेटी, तो ये राय है कि जैसे भी है अल्लाह का नाम लेके इंफोसिस का कलमा पढ़ा दो। घर का लौंडा है, घर की बात घर में ही रहेगी। और भाई उसे तिजारत की बात लग रही है, थोड़ा सा पैसा जरूर देकर कोई काम शुरू करा देंगे। मगर मैं कहती हूँ ये काम चटपट होना चाहिए। तुम तो हुआ ही करते रहो। मैं उसे लाती हूँ, उसे मेरे सामने समझा। जी सुनो तो सही, वो कहाँ गया? शहर में कोई मीटिंग है, वहाँ गया है। मगर उसके कमरे से तो सारा सामान भी उठा हुआ है, ना बिस्तर है ना सूटकेस। बंधु अभी तो गया था, क्यों आया? तुम जरा अंदर जाओ। मिया बंधु हाँ आ जाओ। हाँ क्या बात है जी? वो मुझे वो मिया मिले थे। अच्छा, कह रहे थे कि बिजनेस की बात आप करिए, फौरन कराची जा रहा हूँ, जाके मियां जान को बता दीजिए। मियां जान जी, कुमियां ने मेरी स्कीम मान ली है, कराची में जी बहुत काम है। मैंने कुमियां से कह दिया है कि कराची जाके मुझे समंदर झाग भेज दीजिए, यहाँ तो सारी मुर्गी वाले समंदर झाग में भी मिलावट करते हैं। मियां जान साहब स्पुटनिक मैन मान जाओ तो मैं तैयार करके ही रहूंगा। शहर में धक्के खाता फिरेगा। अच्छा मियां जी, जी मैंने उन्हें बहुत समझाया कि अच्छा मियां जान। क्या कह रहा था बंधु? कह रहा था कि वो कराची चला गया। कराची चला गया? मगर तुम तो कह रहे थे कि किसी मीटिंग में गया है। उसे तो यही कहकर गया था। तो ये कहो कि तुमने उसे जाने दिया? मैंने? और मैंने? मगर कराची में उसे गया कहाँ होगा? पता कहाँ से लिया जाए? ठहरता कहाँ? धक्के खाता फिरेगा, वहां जाके खराब होगा, वो भी खाता फिरेगा। तुमने मेरी लौंडिया की रीढ़ ले ली। मैंने जो तकदीर की उसे मलिया मेट कर दिया। वहां धक्के खाता फिरेगा, वहां जाके खराब होगा। केशवर बेटी मेरी आज कर ले। आएंगे दूध बताशे लाएंगे।